शहर में अनुपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। खुर्सा में कन्नौज की महिला लेखपाल से की गई अधिवक्ताओं द्वारा अभद्रता के विरोध में धरना प्रदर्शन। चल लेखपाल संघ के लेखपालों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेसित एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खुर्जा तहसील परिषद में लेखपालों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। लेखपाल संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि कन्नौज में महिला लेखपाल के साथ कुछ अधिवक्ताओं ने अभद्रता कर दी है। इसके अलावा अन्य लेखपालों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद भी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन एसडीएम खुर्जा सदानंद गुप्ता को सौंपा। इसे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। कुमार शर्मा, अध्यक्ष लेखपाल संघ। आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या है मामला पूरा? हमारे यूपी के जिला कन्नौज की तहसील छबरामऊ में अधिवक्ताओं ने हमारे लेखपाल जो महिला लड़कियां साथ थी और हमारे जो भाई थे वो धरनारत थे, उन पे जो है आके अटैक कर दिया लाठी डंडे से, उनकी पिटाई की। उसके विरुद्ध में पूरे उत्तर प्रदेश की हर तहसील का लेखपाल उनके खिलाफ FIR और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके लिए धरने पर बैठे हैं और उसी का ज्ञापन हमने उपजिलाधिकारी महोदय खुर्जा को दिया है। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, प्रांतीय हमारे पदाधिकारियों की, उन्होंने कहा है कि भाई FIR और गिरफ्तारी भी होंगी और अपना धरना समाप्त कर दें, आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने कह दिया जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे।